नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ चैप्टर, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें क्या है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। फिर हम डोमेन में से एक पॉइंट ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और एक हम उसका नेबरिंग पॉइंट ले रहे हैं ए प्लस एच बी प्लस के। फिर हम इस फंक्शन एफ को ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, किसी फंक्शन को किसी ऑर्डर्ड पेयर ए बी पर डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, इफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, वेयर ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एच। ए और बी कॉन्स्टेंट है और ये एच पर डिपेंड या के पर डिपेंड नहीं करते, और फाई और साई क्या है, फंक्शंस ऑफ एच एंड के टेंड्स टू जीरो एज एच एंड के टेंड्स टू जीरो। फाई भी किसका फंक्शन है, एच और के का, साई भी किसका फंक्शन है, एच और के का, और फाई और साई दोनों किसको अप्रोच करेंगे, जीरो को, कब, जब एच भी अप्रोच कर रहा हो जीरो को और के भी अप्रोच कर रहा हो जीरो को। ठीक है, रिपीट कर रही हूं, किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट ए बी पर डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा, इफ एफ ओफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ओफ ए बी, कैसा दिखाई देना चाहिए, ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, वेयर ए और बी कॉन्स्टेंट है और ये एच और के पर डिपेंड नहीं करते, फाई और साई किसके फंक्शन है, एच और के के, और ये जीरो को अप्रोच करेंगे जब एच और के किसको अप्रोच करेंगे, जीरो को। इसके बाद हमारे पास अगली थी